हमने बहुत बार बर्ड्स को इलेक्ट्रिक वायर पे बैठे देखा है और सोचा है कि आखिर इनको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। इसके पीछे का कारण है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। क्योंकि बर्ड के दोनों पंजे सेम पोटेंशियल पे है तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता और उस बर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। वहीं अगर कोई इंसान ग्राउंड पे खड़ा है और उस वायर को टच करता है तो उसके हाथ पे जो वायर को टच किया है वहां हाई पोटेंशियल होता है और उसके पांव जो ग्राउंड पे है वहां पे लो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल। तो क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उस कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग जाता है और उस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। थैंक यू।